कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा कि आपको फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जॉब चाहिए होता है, मगर सैलरी कितना मिलते हैं? 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे मिलते हैं। बिकॉज ये जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होने वाला है, इसमें सबसे बड़ा मेजर फैसिलिटीज क्या है कि जो भी सैलरी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, वो तो सबसे पहली बात है कि इन हैंड सैलरी है, साथ में एक टाइम खाना भी कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगा। अब ये बहुत प्लस पॉइंटेड है कोलकाता लोकेशन के लिए, सच में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड है। इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देख लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो आपको मिले पूरा और जॉब्स भी मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए। एंड आपको बता दूँ, इस चैनल पे जितने भी जॉब्स के इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो कोलकाता लोकेशन के लिए ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको। ये जो कंपनी है पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस कंपनी में पेपर बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इसमें जो आपका ड्यूटी जो होने वाला है 12 घंटे की ड्यूटी है। ज़्यादातर रेयर केस में ऐसे देखे जाते हैं कि जब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम होगा तो 12 घंटे का ही काम होता है। इसमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हाँ भैया आपको वीकली वन डे ऑफ है या नहीं है। तो वीकली वन डे ऑफ के लिए आप लोग कॉल करके टॉकिंग कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल है, यानी कि जो 5वीं पास है, 8वीं पास है, कोई भी है वो कर सकता है। एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल, यानी कि कोई भी बंदा कर सकता है जो कि कोई भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करता है। सो गाइज, एज लिमिटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर। बिलो 18 कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल एंड अबोव 37 ईयर्स कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल। सो गाइज, एज क्राइटेरिया इज वेरी मोस्ट कंपल्सरी नीडेड इन दिस कंपनी। अगेन यहाँ पे है ESI एंड PF प्रोवाइडेड बाई कंपनी, PF ESI आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें लोकेशन है धूलागढ़ कोलकाता लोकेशन। आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ कि वेयरहाउस का फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का भंडार कहाँ है, तो इसका पहला नाम आता है धूलागढ़, क्योंकि ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है कि आपको इसके अराउंड टू मी में 5,000 प्लस कंपनी देखने को मिलेंगी। ये कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ भाई, रोड साइड से जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के अराउंड टू मी 7-8 किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरा में कंपनी ही कंपनी आपको नजर आएगी। यहाँ पे ये भी कंपनी बेस्ड है। इनफैक्ट इसमें जो सैलरीज ऑफर्ड किए गए हैं 12,600 रुपये इन हैंड है, और ये कोलकाता लोकेशन के लिए ठीक है, 12,600 रुपये इन हैंड है, और ये इंक्रीज होते होते 22,500 तक जाने वाले हैं ये सैलरी। बट स्टार्टिंग पीरियड में जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वो उतना ही होता है, चाहे आप 10 सालों का एक्सपीरियंस ही लेकर के क्यों नहीं आ रहे हो। भले ही आप 10 साल का एक्सपीरियंस लिए हो, लेकिन इस कंपनी में तो नहीं लिए, तो इस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, तो आपका सैलरी डेफिनेटली इस कंपनी में इंक्रीज भी होगा। वेल, डॉक्यूमेंट में है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मस्ट इंपोर्टेंट नीडेड, सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है। वेल, की स्क्रीन पे जो हम कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते ही डालते हैं, बेसिकली अगर आपको ये जॉब्स करना है पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो और नौकरी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों आपका, वीडियो हमारा पूरा देखने